हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और वेलकम है आपका मेरे चैनल आकाशवाणी में। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस वैलेंटाइन वीक आप अपने पार्टनर को कैसे इम्प्रेस करें। तो दोस्तों, इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इस चीज़ को लेकर के कि यार अपने पार्टनर को गिफ्ट क्या दे, क्योंकि बहुत से मेरे भाई हैं कि उनको ये चीज़ नहीं डिसाइड कर पाते कि उनके पार्टनर को क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, एक लड़की को एक या एक लड़के को क्या गिफ्ट दें। मेनली गर्लफ्रेंड में ये प्रॉब्लम आती है कि गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा चूजी होती है, तो उसको क्या गिफ्ट दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि आप अपने पार्टनर को इन हफ्तों में, मतलब इस वीक के अंदर, क्या क्या गिफ्ट आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको गिफ्ट देना क्या है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि एक गिफ्ट हर किसी को पसंद आए। जैसे कि क्या चीज़ें होती हैं कि आप किसी को गिफ्ट देते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उसको पसंद आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसा क्या गिफ्ट दें जो हर किसी को पसंद आए। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हर लड़की को पसंद आती है। तो वो चीज़ें छोटी हैं पर वो हर लड़की को पसंद आती हैं। जैसे हम बात करें चॉकलेट्स की, आप किसी भी लड़की को अगर चॉकलेट्स देंगे तो उसको वो बहुत अच्छी लगेगी। हर लड़की को चॉकलेट खाना अच्छा लगता है। उसके बाद में बात करें तो रेड रोसेस, वो हर लड़की को पसंद आते हैं। अगर आप किसी भी लड़की को रेड रोज गिफ्ट करते हैं तो उसको वो भी अच्छा लगेगा। उसके बाद में जो कार्ड्स चलते हैं, जैसे कि आइडिया पुराना है पर ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है। अगर आप कार्ड्स किसी को हैंडमेड कार्ड देते हैं, ठीक है, लड़कियों को क्रिएटिविटी ज़्यादा पसंद आती है। मार्केट से आप, अगर मैं बात करूँ, मार्केट से आपने कोई कार्ड है उसको लेकर के आपने किसी को गिफ्ट कर दिया, ठीक है, वो चीज़ ठीक है, बट उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं। सामने वाले पर्सन को लगता है कि हाँ ये रेडीमेड चीज़ें बना के उसने मेरे को बस गिफ्ट कर दिया। बट अगर आप कोई चीज़ें अपने हाथ से बनाते तो उसके अंदर आपने उसको टाइम दिया, उसके अंदर आपने फीलिंग्स दी हैं, तो उससे क्या है कि सामने वाले पे जो है, आप जो इमेज अपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं सामने वाले पे अच्छे से क्रिएट होती है, ठीक है। और आजकल बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, जैसे फ़ोन के बैक कवर्स पे आप फोटो प्रिंट करवा के उसको दे सकते हैं। तो ये तीन चार चीज़ें वो हैं जो हर लड़की को पसंद आएंगी। मतलब अगर आपको कोई गिफ्ट अगर नहीं दिमाग में आ रहा है कि क्या देना है, तो इन चार चीज़ों में से आप कोई भी गिफ्ट उसको दे सकते हैं, ये उसको पसंद आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें भी हर किसी को पसंद है। अब डिपेंड करता है कि अब इनमें से आपको क्या गिफ्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दो टाइप्स की गर्ल्स होती हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जिनको दिखावा नहीं पसंद होता, मतलब शो ऑफ नहीं पसंद होता, मतलब कि फॉर एग्जांपल उनको बड़ी गिफ्ट नहीं पसंद है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बड़ा टेडी बियर दे दिया, आपने कोई 5 फीट 6 फीट का टेडी बियर उसको गिफ्ट कर दिया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, उसको नहीं शो ऑफ पसंद है, उसको नहीं पसंद कि वो किसी को बताए, उसको मतलब चीज़ें प्राइवेसी रखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो टेडी बियर कहाँ रखेगी? घर में भी नहीं रख सकती, ना किसी फ्रेंड को दे सकती है। तो आपने क्या करना, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी है जिसको शो ऑफ नहीं पसंद है, जो चीज़ें छुपा के रखती है, मतलब कि आप कोई भी उसको गिफ्ट देते हैं तो वो उसको प्यार से छुपा के रखे और जब भी आपकी याद आए तो उसको निकाल के बाद में देख सके, तो अगर वो ऐसे गिफ्ट लेना पसंद करते तो आपने क्या करना, उसको छोटे गिफ्ट देने। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने छोटे टेडी बियर देने हैं आपको, ठीक है, आपने एक सिंगल रोज़ दे दिया उसको, आप बुके देंगे तो बुके तो बुक के अंदर भी नहीं रख सकते ना, तो आप एक रेड रोज़ देते हैं अगर, तो उसको कहीं भी सेफली उसको रख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को अगर उसको बड़े गिफ्ट नहीं पसंद है, अगर वो शाई टाइप की है, उसको प्राइवेसी पसंद है, तो आपने उसको छोटे गिफ्ट देने उसको, ठीक है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ दूसरे टाइप की जो गर्ल्स होते हैं जिनको मतलब भड़कीले गिफ्ट पसंद है, उनको शो ऑफ करना पसंद है, जैसे कि वो चार लोगों में बता सके कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ये चीज़ मुझे गिफ्ट करी है। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड का ऐसा नेचर है, उसको शो ऑफ पसंद है, उसको दिखाना पसंद, तो आप उसको एक बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, बड़ा टेडी बियर दे सकते हैं, आप उसको बुके दे सकते हैं, मतलब कोई भी बड़ी चीज़ को आप ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं जो वो दिखा सके चार लोगों में, ठीक है। तो इन दोनों में से दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, जो आपका पार्टनर है, वो इन दोनों में से किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, कि वो शाई टाइप का है, उसको प्राइवेसी पसंद है, या फिर उसको वो ओपन माइंडेड है और उसको क्या नाम शो ऑफ करना पसंद है। तो अब आप इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि आपकी गर्लफ्रेंड किस नेचर की है और उसको आपको क्या गिफ्ट देना है, ठीक है। अब दोस्तों आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप उसको गिफ्ट वो देना जिसकी उसको ज़रूरत हो। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि किस गिफ्ट की उसको ज़रूरत है, ठीक है, तो आप कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो कि मेरे दोस्त का कॉल आया था, उसकी बंदी का बर्थडे है, उसको गिफ्ट करना है, या मेरे कज़न का बर्थडे है, उसको गिफ्ट करना, मतलब कोई भी आप ऐसी एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो जिससे वो सजेस्ट कर सके कि हाँ तू ये गिफ्ट दे सकता है। अब दोस्तों एक चीज़ बताऊँगा, सलाह कोई भी जब देता है तो वो सलाह वही देता है जो सलाह उसको अच्छी लगती है, ठीक है। तो यानी अगर वो कोई टॉप आपको सजेस्ट करिए, कोई ड्रेस आपको सजेस्ट करिए, कोई टेडी बियर आपको सजेस्ट करिए, कोई भी अगर चीज़ गिफ्ट में आपको वो सजेशन दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो गिफ्ट उसको पसंद है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा उसको क्या देना है, तो आप इस तरीके से स्टोरी क्रिएट करके इनडायरेक्टली वे में उससे पूछ सकते हैं कि उसको क्या गिफ्ट पसंद है, ठीक है। या फिर अगर आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक काम करो, ठीक है, अपनी फ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को आप मार्केट में, आसपास की मार्केट में उसको घुमाने के लिए लेके जाइए, ठीक है, और वहाँ पर उसको बोलिए कि हाँ मेरे वही चीज़ की फ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का बर्थडे है या फिर कज़न का बर्थडे, उसको गिफ्ट करना है, तो वहाँ पर वो अच्छे से चूज़ कर लेगी कि हाँ आप क्या गिफ्ट करना है, और जो उसको पसंद आएगा ऑब्वियसली वही चीज़ वो चूज़ करने वाली है। तो आप क्या करो, वो गिफ्ट वहाँ पे आप खरीद के, वहाँ पे आपने उसको ये नहीं बोलना है कि ये मैं तेरे लिए ले रहा हूँ, क्योंकि क्या वहाँ पे वो नानुकूर करेगी, वो डायरेक्टली नहीं लेगी। तो आपने क्या करना है, उसको सरप्राइज़ देना है और गिफ्ट वो आपने बाय कर लेना है, और बाद में उसको अच्छे से पैकिंग करके, रैपिंग करके आपने वो गिफ्ट उसको दे देना है, उसको सरप्राइज़ मिलेगा, इससे वो और ज़्यादा
खुश हो जाएगी, उसको और अच्छा लगेगा। तो ये कुछ बेसिक टिप्स मैंने आपको बताई थी कि आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने पार्टनर को गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको क्या गिफ्ट देना है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी वे में ये क्लियर हो जाएगा कि उसको क्या गिफ्ट देना है, और जो उसको गिफ्ट दोगे आप उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से कमेंट कर देना, और वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।